हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के अलड़िया चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक चैप्टर है अपना ME 207 का, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें फर्स्ट है अपना एमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमीटर से। एमीटर जैसा कि इसका नाम है एमीटर, ये एम्पियर को मेजर करता है, यानी कि करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, मीटर है। देखिए, एज वी नो अ वर्ड मीटर इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट सिस्टम। मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो यानी कि ये तो मीटर की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है कि मीटर क्या है। मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो मीटर कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एज वी नो द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। जैसा कि हमें पता है कि करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर में होती है। एमीटर मीन्स एम्पियर मीटर। देखिए, अभी बात करी थी अपन ने, एमीटर का मतलब है यहाँ पर एम्पियर मीटर। यहाँ से ए लिया गया है और ये ए एम यहाँ से लिया गया है और मीटर यहाँ से, विच मेजर्स एम्पियर वैल्यू। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, सो एन एमीटर इज अ मीटर और एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर करंट। तो एमीटर क्या हुआ? करंट मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट। अब वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं एमीटर का। द मेन प्रिंसिपल ऑफ एमीटर इज दैट इट मस्ट हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि इस मीटर का जो है, करंट मेजर करने का जो मीटर है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट टू जीरो। नाउ व्हाई डू वी नीड दिस? सबसे पहली बात कि इसकी ज़रूरत क्यों है हमें। कंट वी कनेक्ट एन एमीटर इन पैरेलल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एमीटर को हम पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते। अब आंसर क्या है इसका? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट इट हैज़ वेरी लो इम्पीडेंस। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एमीटर का जो इम्पीडेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू बहुत ही कम है। बिकॉज इट मस्ट हैव वेरी लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। और इसकी वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि जो करंट की वैल्यू है वो मीटर की वजह से अफेक्ट नहीं हो। एंड मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। और इस लो इम्पीडेंस की वजह से ही इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि पूरा का पूरा करंट उस लो इम्पीडेंस पाथ से फ्लो होने लग जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट टू शॉर्ट सर्किट हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बिकॉज करंट इज सेम इन सीरीज। क्योंकि करंट की जो वैल्यू हमें मेजर करनी है वो सीरीज में उसकी वैल्यू सेम रहती है। ऑल्सो ड्यू टू वेरी लो इम्पीडेंस द पावर लॉस विल बी लो। अब लो इम्पीडेंस की वजह से क्या होगा कि इसमें पावर लॉस भी कम होगा सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो। एंड इफ़ इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल इट बिकम्स ऑलमोस्ट अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किटेड पाथ एंड ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू एमीटर। अब पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिया एमीटर को, तो पूरा का पूरा करंट उसी से फ्लो होने लग जाएगा। बाकी जो लोड है अपना, वो तो बिना करंट के रह जाएगा, यानी कि लोड से करंट फ्लो नहीं होगा और लोड अपना काम नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ हाई करंट द इंस्ट्रूमेंट में बर्न। तो यानी कि अगर ज़्यादा करंट इससे फ्लो होगा एमीटर से, तो ये एमीटर खुद भी अपना बर्न हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस रीजन इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये तो इसका आंसर है कि ये सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करना चाहिए। फॉर एन आइडियल एमीटर इट मस्ट हैव जीरो इम्पीडेंस सो दैट इट हैज जीरो वोल्टेज ड्रॉप। अब आइडियल एमीटर में क्या होना चाहिए कि जीरो इम्पीडेंस होना चाहिए, बट आइडियल तो हो नहीं सकता कोई भी केस। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो नहीं, अप्रॉक्सीमेट टू जीरो मान लेते हैं। सो द पावर लॉस इन द इंस्ट्रूमेंट इज जीरो, ताकि पावर लॉस उसमें जीरो हो। बट द आइडियल इज नॉट अचीवेबल प्रैक्टिकली।
क्लासिफिकेशन देखते हैं एमिटर्स के. डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्टिंग प्रिंसिपल देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एमिटर वी गेट. देर आर मेनली परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल एमिटर PMMC, शॉर्ट फॉर्म में PMMC बोलते हैं या मूविंग कॉयल भी बोलते हैं इसको. मूविंग आयरन एमिटर, इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर टाइप एमिटर एंड रेक्टिफायर टाइप एमिटर. डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट वी हैव DC एमिटर और AC एमिटर. अब किस टाइप के सर्किट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं DC और AC एमिटर. इस तरह से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. अब DC एमिटर आर मेनली PMMC इंस्ट्रूमेंट. जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो केवल DC क्वांटिटी मेजर करने के काम आएगा, यानी कि इस प्रिंसिपल पे जो है PMMC प्रिंसिपल पे जो काम करेगा मीटर वो DC में ही काम आएगा. MI मीटर कैन मेजर बोथ AC एंड DC करंट्स. जो MI मीटर है मूविंग आयरन मीटर है वो AC और DC दोनों करंट मेजर कर सकता है. तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि DC केवल DC मेजर करने के लिए कौन सा मीटर काम में आता है, तो वहाँ पर अपने को लिखना है PMMC मीटर. और AC और DC दोनों क्वांटिटी को जो मेजर कर सकता है वहाँ पर है अपना मूविंग आयरन एमिटर. इंडक्शन मीटर्स आर नॉट जनरली यूज्ड फॉर एमिटर कंस्ट्रक्शन ड्यू टू देयर हायर कॉस्ट. अब इसमें एक टाइप और होता है अपना इंडक्शन एमिटर. अब उसको इसलिए अपन यूज़ नहीं करते क्योंकि एमिटर कंस्ट्रक्शन के लिए अगर इंडक्शन मीटर प्रिंसिपल पे एमिटर को डिज़ाइन करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी एंड इन एक्यूरेसी इन मेजरमेंट. और इतनी कॉस्ट आने के बावजूद भी वो एक्यूरेसी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंडक्शन टाइप एमिटर हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं. चलिए देखते हैं PMMC एमिटर. प्रिंसिपल ऑफ PMMC एमिटर, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर. इट इज अटैच्ड टू अ मूविंग सिस्टम विद द कॉइल मूवमेंट द पॉइंटर मूव्स ओवर द स्केल. जैसा कि ये हमें पता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या है कि एक मैकेनिकल फोर्स लगता है. अब उस कंडक्टर से हम कोई निडल या सुई जैसे कोई चीज़ कनेक्ट कर दें तो वो भी मूव करेगी क्योंकि उस पर मैकेनिकल फोर्स लग रहा है. तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर ये PMMC मीटर काम करता है. एक्सप्लेनेशन है इसका, एज द नेम सजेस्ट इट हैज़ परमानेंट मैग्नेट्स विच आर एम्प्लॉयड इन दिस काइंड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अब यहाँ पर क्या है कि हम परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं और बीच में जो कॉयल, दोनों मैग्नेट के बीच में जो कॉयल प्लेस करेंगे उस कॉयल में जो करंट अपने को मेजर करना है उस करंट को हम फ्लो करवाएंगे ताकि उस करंट को जो मेजर करना है उसी करंट को फ्लो करवाना अपने को उसी कॉयल में से. अब करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया जो दोनों मैग्नेट के बीच में कॉयल अपन ने प्लेस कर रखी है, तो उसमें से जब करंट फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने उसको प्लेस कर रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा. और फोर्स कितना लगेगा, जितना करंट उसके अंदर से कॉयल के अंदर से फ्लो हो रहा है. इट इज पर्टिकुलरली सूटेड फॉर DC मेजरमेंट बिकॉज हेयर डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड हैंस इफ करंट डायरेक्शन इज रिवर्स डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर विल ऑल्सो बी रिवर्स. सो इट इज़ यूज ओनली फॉर DC मेजरमेंट. तो अब जो कॉयल अपन ने दोनों मैग्नेट्स के बीच में प्लेस कर रखी है अगर उसमें करंट की डायरेक्शन अपन रिवर्स कर दें तो उस पर मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. तो इसीलिए इसको AC के लिए अपन काम में नहीं ले सकते क्योंकि AC में हर 10 मिलीसेकंड के बाद डायरेक्शन करंट की चेंज हो जाती है. अगर इंडिया की बात करें 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए तो हर 10 मिलीसेकंड के बाद अगर पॉइंटर की डायरेक्शन भी चेंज होती है तो उसमें हम करंट की कोई वैल्यू अपन मेजर नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए इसको अपन केवल DC के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर करंट की डायरेक्शन एक ही रहे तो पॉइंटर की जो डायरेक्शन है वो भी एक ही रहेगी एंड मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन भी एक ही रहेगी.
This type of instrument is called the Arson ball type instrument. It has major advantage of having linear scale. अब इस टाइप के मीटर की एडवांटेज क्या है कि इसकी जो स्केल है वो लीनियर होती है. लो पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन भी उसका लो होता है, हाई एक्यूरेसी और एक्यूरेसी भी उसकी हाई होती है बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें तो. तो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग मेजर्ड ओनली डीसी क्वांटिटी. अब इसकी जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है केवल इससे हम केवल डीसी क्वांटिटी ही मेजर कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट भी हाई होती है. ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला, यानी कि जो कॉइल पे जो टॉर्क या फोर्स लगेगा ये है उसका फॉर्मूला. तो टॉर्क इज इक्वल्स टू बी आई एन एल बी न्यूटन मीटर, ये यहाँ पर है इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर है यूनिट. वेयर बी फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो मैग्नेट्स अपन ने काम में लिए हैं ये है बी उसकी फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर में. अब आई है यहाँ पर करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इन एम्पियर. अब जो करंट अपने को मेजर करना है वो कॉइल से फ्लो करवाएंगी तो वो ये है करंट आई. एल यहाँ पर है लेंथ ऑफ द कॉइल इन मीटर, जो कॉइल अपन ने काम में ली है दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो कॉइल अपन ने प्लेस की है उस कॉइल की लेंथ मीटर में. यूनिट का ध्यान रखना यहाँ पर सभी यूनिट्स का, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर में है, ये एम्पियर में है, ये मीटर में, और ये स्मॉल भी है. यहाँ पर ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल, कॉइल की ब्रेड्थ क्या है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल अपन यहाँ पर प्लेस करेंगे तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ एल एंड ई. और ये जो कैपिटल एन यहाँ पर यूज़ किया गया है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. अब यहाँ पर ये कैपिटल एन और ये कैपिटल एन ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर ये तो है नंबर ऑफ टर्न्स और ये है इसकी यूनिट न्यूटन मीटर. एक्सटेंशन ऑफ रेंज इन अ पीएमएमसी मीटर, अगर मान लीजिए कि एक एमीटर है उसकी रेटिंग है एक एम्पियर करंट मेजर करने की उसकी कैपेसिटी है. अगर अपने पास कोई दूसरा मीटर नहीं है और कोई ज़्यादा लोड का कोई सर्किट है जहां पर करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर या 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और अपने पास कोई दूसरा मीटर भी अवेलेबल नहीं है, उस केस में अगर अपने को 1 एम्पियर कैपेसिटी वाला एमीटर काम में लेना हो तो उसकी रेंज को अपन कैसे एक्सटेंड करें कि वो 10 एम्पियर मेजर कर सके, वो यहाँ पर ये देखिए वो यहाँ पर बताया गया एक्सटेंशन रेंज इन पीएमएमसी मीटर कि एमीटर की जो रेंज है वो अपन एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो 1 एम्पियर का मीटर है उससे अपन 10 एम्पियर किस तरह से मेजर कर सकते हैं. नाउ इट लुक्स क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट वी कैन एक्सटेंड द रेंज ऑफ मेजरमेंट इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. मैनी ऑफ अस विल थिंक दैट वी मस्ट बाय अ न्यू एमीटर टू मेजर हायर अमाउंट ऑफ करंट एंड ऑल्सो मैनी ऑफ अस मे थिंक वी हैव टू चेंज द कंस्ट्रक्शनल फीचर सो दैट वी कैन मेजर हायर करंट, बट देर इज़ नथिंग लाइक दैट. अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर 10 एम्पियर की करंट मेजर करनी है या तो हमें दूसरा मीटर खरीदें या फिर इसी मीटर की कंस्ट्रक्शनल फीचर को अपन चेंज करें, बट ऐसा नहीं है. अपन एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करके, ये देखिए सर्किट में ये एक एमीटर है यहाँ पर और इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम इसकी जो टोटल करंट कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए आगे फॉर्मूले में है. इन द फिगर आई इज़ द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, जो कि अपने को टोटल करंट मेजर करनी है. और ISH क्या है, ISH इज़ द करंट थ्रू द शंट रजिस्टर इन एम्पियर. ISH इज़ द शंट, यानी कि जो इस सर्किट में ये देखिए यहाँ पर ISH क्या है, शंट करंट, ये करंट जो फ्लो हो रही है जो शंट रजिस्टेंस अपन ने कनेक्ट किया है उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो है ISH. एंड आरएम इज द
एमिटर रेजिस्टेंस इन ओम। आरएम क्या है? मीटर का रेजिस्टेंस, मीटर का रेजिस्टेंस है जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो मीटर में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया था, जो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है अपना आरएम। देन आरएसएच, अब आरएसएच की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है कि कितना आरएसएच अपन कनेक्ट करें कि टोटल करंट आई अपन इसमें मेजर कर सकें। तो ये है इसका फॉर्मूला, आरएम अपॉन आई अपॉन आई माइनस एसएच, आई एसएच माइनस वन। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, ये कई बार पूछ भी लिया जाता है कि वन एम्पियर का मीटर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, उससे अगर अपने को 10 एम्पियर करंट मेजर करनी है तो उसमें कितना रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट करेंगे। अब अपने को पता है कि 1 एम्पियर का मीटर केवल 1 एम्पियर करंट ही ले पाएगा, 10 एम्पियर मेजर करनी है तो आईएसएच की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 9। ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर मीटर के थ्रू करंट फ्लो होगी और 9 एम्पियर क्या आरएसएच के थ्रू फ्लो होगी, तो टोटल आई अपने को पता है 10 है, तो 10 यहाँ पर पुट कर देंगे, आईएसएच अपने को पता चल गया 9 है, तो 9 यहाँ पर पुट कर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आरएसएच की वैल्यू अपनी आ जाएगी कितना आरएसएच कनेक्ट करें 1 एम्पियर के मीटर से 10 एम्पियर अगर अपने को मेजर करनी है तो। अब देखते हैं मूविंग आयरन एमिटर, इट इज अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ बिकॉज द डिफ्लेक्शन थीटा प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट, सो वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज शोज डायरेक्शनल डिफ्लेक्शन, फर्दर दे आर क्लासिफाइड इन टू मोर वेज, अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्सन टाइप। अब मूविंग आयरन एमिटर एसी और डीसी दोनों पे काम में लिया जाता है, ये अपन ने पीछे बात करी थी पीछे की स्लाइड्स में। अब इसका रीजन क्या है कि इसमें जो डिफ्लेक्शन है, जो पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है या कहें हम कॉइल का जो डिफ्लेक्शन है, वो प्रोपोर्शनल होता है जो करंट फ्लो हो रही है उसके स्क्वायर पे। तो यानी कि प्लस हो या करंट माइनस हो, तो दोनों का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो क्या आएगा, अपना पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि यूनिडायरेक्शनल ही आएगा। तो इसमें जो फोर्स लगेगा उस पॉइंटर पे या कॉइल पे वो यूनिडायरेक्शनल होगा, क्योंकि वो जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर पे। तो प्लस हो या करंट माइनस हो, उसका स्क्वायर क्या आएगा, अपना प्लस ही आएगा। अब मूविंग आयरन एमिटर को अपन दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप। यानी कि उस पॉइंटर वाली कॉइल पे रिपल्सन फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है या अट्रैक्टिव टाइप फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये इसका फॉर्मूला है टॉर्क का, तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी डिफरेंट है पिछले वाले फॉर्मूले से जो पीएमएमसी में आया था अपना। तो यहाँ पर ये है टी इज इक्वल्स टू 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये टॉर्क जो प्रोपोर्शनल किसके है, आई स्क्वायर, तो इसलिए ये यूनिट डायरेक्शनल रहेगा। वेयर आई इज़ द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन एम्पियर, आई क्या है, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, एम्पियर उसकी यूनिट है। एल इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, अब जो कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस है एल। थीटा इज़ द डिफ्लेक्शन इन रेडियन, अब थीटा यहाँ पर है कितना उसमें कॉइल में डिफ्लेक्शन आया है वो है थीटा। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल, व्हेन एन अनमैग्नेटाइज्ड सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई भी बिना मैग्नेटाइज किया हुआ सॉफ्ट आयरन अपन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉइल, तो ये कॉइल की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर अपन डिफ्लेक्टिंग, जैसे पीएमएमसी में तो क्या है कि कॉइल अपन ने डिफ्लेक्टिंग मीडिया लिया था, बट यहाँ पर क्या है, ये मूविंग आयरन है, तो नाम से ही पता चल रहा है अपने को आयरन मूव करेगा यहाँ पर, तो सॉफ्ट आयरन अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस किया है,
तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर बिना मैग्नेटाइज किया हुआ सॉफ्ट आयरन अपन काम में लेंगे तो क्या होगा कि उस पर जो अट्रैक्टिव टाइप फोर्स लगेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल। इफ़ अ मूविंग सिस्टम अटैच्ड एंड करंट इज पास थ्रू अ कॉयल इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। अब दो कोई कॉयल के में अपन करंट फ्लो करवा रहे हैं, जो मेजर करना अपने को करंट, अब उस कॉयल में जो करंट फ्लो होगा उसी के अकॉर्डिंग ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और उसी के अकॉर्डिंग ही उस सॉफ्ट आयरन पे फोर्स लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि पॉइंटर अपन सॉफ्ट आयरन से उस कनेक्ट करके रखेंगे। इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड विच अट्रैक्ट्स आयरन पीस एंड क्रिएट्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एज ए रिजल्ट ऑफ विच पॉइंटर मूव्स ओवर द स्केल, तो स्केल पे वो पॉइंटर अपना मूव करता है। अब नेक्स्ट अपना रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। व्हेन टू आयरन पीसेस आर मैग्नेटाइज्ड विद सेम पोलरिटी बाय पासिंग अ करंट देन रिपल्सन बिटवीन देम अकर्स। अगर दो आयरन के पीस अपन मैग्नेटाइज कर दें विद सेम पोलरिटी बाय पासिंग अ करंट देन रिपल्सन बिटवीन देम अकर्स एंड दैट रिपल्सन प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो अब उस रिपल्सन की वजह से वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू विच द पॉइंटर मूव्स, उसकी वजह से वो पॉइंटर मूव करेगा। द एडवांटेज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स आर दे कैन मेजर बोथ एसी एंड डीसी, चीपर, लो फ्रिक्शन एरर, रोबस्टनेस, तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं। इट इज़ मेनली यूज इन एसी मेजरमेंट्स बिकॉज इन डीसी मेजरमेंट्स एरर विल बी मोर ड्यू टू हिस्टेरेसिस। अब वैसे तो इसको दोनों के लिए अपन काम में ले सकते हैं, एसी और डीसी के लिए, बट यहाँ पर क्या होगा डीसी मेजरमेंट के लिए हिस्टेरेसिस लॉसेज इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए इसको वहाँ पर काम में नहीं लिया जाता मोस्टली। तो ये था अपना एमिटर, इस वीडियो में हमने पढ़ा एमिटर के बारे में, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हो। थैंक यू।